हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और बच्चों, हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं, जैसे मैंने एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक आपके सामने पूरा वीडियो पहला लेक्चर प्रोवाइड किया था, आज उसी के ही आगे उसका हम दूसरा पार्ट क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता रखा था कि एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीन क्वेश्चन मैंने हेलोइलकेन और हेलोरिन के पहले क्वेश्चन का बताया था, चौथा आप ऑप्शन देखिए क्या है उसमें आपको दिया गया है। जो बच्चे इस लेक्चर को देखना चाहते हैं, इसके पहले वाला जो लेक्चर है एनसीईआरटी क्वेश्चन हेलोइलकेन और हेलोरिन का, उस क्लास को जरूर अटेंड करें, तब हमारी बातें समझ में आएंगी कि हम समझाना क्या चाहते हैं, ये बात भी आप लोग समझिएगा। तो हम उसमें तीन क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तीन उसमें पार्ट में, और आज आपको उसका हम क्या करने जा रहे हैं, चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। भैया, क्वेश्चन क्या है, CH3 का क्या है होल थ्राइस, ये इस तरीके से लिखा गया है, फिर C फिर CH2, यहां फिर C और फिर क्या लिखा गया है CH2, और उसके बाद क्या है भैया CHBr, क्या लिखा गया है आपका CH और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है Br, और फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है C6H5। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वहीं से हम इसको लिख रहे हैं, आप अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को बुक से भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इस कंपाउंड का क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है भैया, IUPAC नाम लिखना है, वो क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, उसको समझिए। और इसको क्लासिफिकेशन करना है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है कि बेंजाइलिक है कि एलिक है, एलिलिक है कि आपका एरिल हैलाइड है, जितने भी प्रकार के हैलाइड्स होते हैं उन सब में ये चीज़ें क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो अब आप क्या करोगे बताइए हमको, सबसे पहली चीज़ मैंने बताया इसको ओपन फॉर्म में लिखी। जब ओपन फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या किया करते हो, मेरी बात को समझने का प्रयास करें, जब तक आप ओपन फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसका ओपन स्ट्रक्चर, तब तक क्या कर सकते हैं आप इसको सही तरीके से नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहली चीज इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। जब ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे बताइए हमको, आप लोग सब लोग जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया समझिए, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस है ना, तो ये सी है, इसका मतलब इसी कार्बन से ये जो ब्रेकेट में लिखा गया होता है इसी से अटैच होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया ये CH3, और यहाँ पे भी क्या हो गया CH3, यही इसका मतलब है। देखिए लिखा गया है ना CH3 का होल थ्राइस, क्या लिखा गया है आपको CH3 का क्या लिखा गया है होल थ्राइस लिखा गया है ना आपके सामने ये, और फिर उसके बाद फिर क्या लिखा गया है आगे देखिए, अब फिर सी तो हो गया, अब फिर क्या हो गया आपका CH2, क्या हो गया आपका ये CH2, और फिर उसके बाद क्या है CH, अब इसी के बाद देखिए फिर ब्रेकेट लग गया, ब्रेकेट लगने का मतलब इसी से फिर जुड़ा है, अब यहां से क्या जुड़ा है Br, और उसके बाद फिर आगे देखिए जहां कोई बॉन्ड नहीं वहां सिंगल बॉन्ड माना जाता है C6, क्या हो गया CH5, यही आपका क्या है, आप जब इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आप जितने बच्चे हैं इस चीज को आप देख सकते हो कि इसका जब ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर करोगे तो यही से आप करने का प्रयास करोगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, अब जब इतना चीज आप कर लिए तो बात फंसता है कि नंबरिंग किधर से की जाए, अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो तो 1, 2, और इधर पे देखिए ये जो है ये क्या है जानते हो, अगर आप सही तरीके से देखें तो ये आपकी ये बेंजीन रिंग होती है और यहीं से एक एच कम हो गया है, इसका मतलब ये जो है ये बेंजीन रिंग से रिलेटिव है। तो आपको एरोमेटिक यौगिकों का जो नामकरण करना बताया गया होगा अगर, तो वहां से अगर आप इस चीज को समझेंगे तब आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज नंबरिंग किधर से कर दे, इधर से, तो जब इधर से करोगे ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना भाई C6H5, आपको मालूम होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स में CH3 होता है, C2H5 होता है, ये C6CH5 होता है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब यहां से नंबरिंग हो गई तो 1, 2 और ये 3, यहां तक तो नंबरिंग हो गई, अब आप चाहे इधर आओ तब भी 4 मिलेगा, इधर आओगे तब भी 4 मिलेगा, इधर जाओगे तब भी 4 मिलेगा, चाहे जिधर आप जाएंगे उधर आपको 4 देखने को मिल रहा है। तो अब आप फ्री हो चाहे जिधर आप जाइए, तो हम सीधी श्रृंखला का ही सिलेक्शन कर लेते हैं, तो जब हम सीधी श्रृंखला का उपयोग कर लिए तो 4, इसका मतलब जो हमारी पेरेंट चेन देखने को मिल रही है वो आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ये आपको 4 कार्बन की जनक श्रृंखला जिसको कहते हो वो 4 कार्बन की है।
अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी ये है, एक प्रतिस्थापी ये है, और एक प्रतिस्थापी ये है, एक प्रतिस्थापी ये है। कहने का मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट यहां है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां है, और ये दोनों तो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि ये नंबरिंग में नहीं आए। जो चीजें नंबरिंग में नहीं आती हैं वही आपकी क्या मान ली जाती हैं, सब्स्टिट्यूएंट मान ली जाती हैं। इस चीज को आप जानते हो अच्छी तरीके से, तो आप बताइए क्या करें इसमें। लेकिन अब फिर एक सवाल समझता है आपके पास कि इसमें जब कई क्रियात्मक समूह सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में जैसे पहले जिसका नाम फेनिल है तो ये पी से शुरू होगा, इसका नाम ब्रोमो है तो ये बी से शुरू होगा, और इन सबका नाम मेथिल है तो ये यम से शुरू होगा। इसका मतलब अगर आपको अल्फाबेट मालूम है तो बी पहले आएगा, फिर यम आएगा, तब यम एन ओ पी, तब पी आएगा। एकदम जीरो से हीरो बनाने का मेरा प्रयास हुआ करता है कि आप एकदम बेसिक से समझिए, जान लीजिए हर तरीके से, इसीलिए टाइम थोड़ा आपका वेस्ट करते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो उसी के तहत आप कई क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए इन सबका क्या करेंगे भैया, नामिंग क्लेचर करेंगे, जान लीजिएगा। तो अब कैसे नामिंग क्लेचर करेंगे ये चलिए देखिए, ध्यान दीजिए हमें। तो आप जब इसका नाम लिखोगे तो बताइए ये यहां से छूट गया, तो जिस कार्बन छूटता है वहां पे क्या हो जाएगा, वन हाइफन, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो। ये तो लिख दिया हमने, अब फिर कामा लग जाएगा। अब देखिए थ्री से ये भी छूट रहा है, थ्री से नीचे भी छूट रहा है, तो दोनों तीन से कार्बन जुड़े पर लिखो थ्री कामा थ्री। अब समझ में आ गया। और जब दोनों चीजें सेम है तो इसके लिए क्या पूर्व लग लगाया जाता है, डाई, ठीक है, थ्री कामा थ्री, और फिर क्या हो गया, डाई, और ये क्या हो गया आपका, मिथिल। और फिर चार कार्बन तो है ही, लेकिन अभी एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वन हाइफन क्या हो जाएगा आपका, फेनिल। वन हाइफन क्या हो जाएगा, फेनिल। इतना समझ में आया सबको भैया, वन ब्रोमो से हो गया, थ्री थ्री क्या हो गया, डाइमेथिल, और वन हाइफन क्या हो गया आपका, फेनिल। और अब क्या है, चार कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतना तो इसका क्या हो गया आपका, आपका क्या हुआ ये, आपके आईपीएससी नेम भी। अब एक चीज इसमें ये पहचानना है कि सबसे पहली चीज तो ये एल्किल हैलाइड तो है ही, इसमें देख रहे हो कि एक बेंजीन रिंग आकर के जुड़ गई है, और बेंजीन रिंग जब जुड़ गई तो फिर इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता है, कि 1-0 है, कि 2-0 है, कि 3-0 है, वो प्राथमिक वाले में होता है। एल्किल हैलाइड जब हुआ करता है तब, जब आरएक्स हुआ करता है तब उसमें हम कार्बन को डिफाइन किए हैं कि ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, और ये क्या हुआ करता है, टर्शियरी कार्बन होता है। लेकिन इस टाइप में हम केवल यही लिखेंगे कि कौन सा है, एलिलिक है कि बेंजाइलिक है, कि आपका क्या हुआ करता है। तो अब आप समझिए पहले चीज तो ये देखिए यहाँ पे है, और इन सब चीजों को बताने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है। तो जो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन से जुड़ा है, और ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन, किस कार्बन के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या होता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या हुआ करती है, सॉरी आप जैसे कार्बन है ना ये, अगर कार्बन जो हुआ करता है वहां पर सिग्मा बॉन्ड सभी होती है, अगर सभी सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे तो वो जान लीजिएगा कि वो sp3 होता है। और अगर सिग्मा बॉन्ड की जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन पर अगर ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है आपकी, क्या है, 0 है, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा संकर हो जाता है आपका, तरीके से जैसे sp3 ये आपका हुआ करता है, तो यहाँ पे जो ये है पाई बॉन्ड निकाल लीजिए, पाई बॉन्ड से आधार पे बताते हैं, अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 है तो sp3, पाई बॉन्ड की संख्या 1 है तो sp2, और पाई बॉन्ड की संख्या 2 है तो sp, ये याद होना चाहिए। ये सब 11th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि आपकी हर जानकारी हर जगह ही हो जाती है। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम 11th में नहीं पढ़ेंगे तो 12th की पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है माय डियर। आप जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ, अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, जानते हो जैसे हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो केवल क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ रिजल्ट हो रहा है, वहीं केवल लिख लिया करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड इस कार्बन पे क्या है, 0 है, अब 0 है तो यहाँ कौन सा संकरण हो गया, sp3।
तो ये बताया जाता है, जो बेंजाइलिक की बात कर रहा हूँ, बेंजाइलिक है, जान लीजिएगा, जब बेंजीन रिंग के समीपवर्ती sp3 कार्बन से, जब एरोमेटिक रिंग के समीपवर्ती sp3 संकेत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बेंजीलिक कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं इसको, बेंजीलिक कहा किया करते हैं। और अगर ये ध्यान दिया जाए तो ये कार्बन कैसा है, 2-0 कार्बन है, तो 2-0 ये तो हो ही जाएगा मान लीजिएगा। और फिर अगली चीज क्या हुआ करता है, ये आपका कैसा है, बेंजीलिक है, ऐसा कंपाउंड है, ये बेंजीलिक कंपाउंड है। तो मैंने एक साल कराया 2-0 क्यों की है, क्योंकि कार्बन जो है ये आप देखते हो इसके अंतर्गत चाहे कह सकते हो इसको, लेकिन आपको ये बता रहा हूं ये एरोमेटिक रिंग है, इसके जस्ट बगल। बेंजाइलिक का मतलब यही होता है, आपको ध्यान देना यहां पे कि एरोमेटिक रिंग के समीपवर्ती, अब समझिएगा, एरोमेटिक रिंग के समीपवर्ती किस कार्बन से, sp3 कार्बन से आपका क्या जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा होगा, कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, हाइलोजन जुड़ा रहता है। अगर आपसे कोई कहे बेंजाइलिक किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग के समीपवर्ती कार्बन के sp3 कार्बन से, किस कार्बन से समीपवर्ती, sp3 कार्बन से अगर हाइलोजन, तो अब ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे sp3 कार्बन है, ये आपका संकृत है और यहीं से हाइलोजन जुड़ा है, तो ये बेंजीन हो गया। तो इस तरीके से हमने पहला आपको क्या किया, बता दिया। आई होप आपको ये पहला क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला चौथे के बाद फिर किसकी बात किया करते हैं, पांचवे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, बढ़िया सा, खूब बढ़िया सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अब आप विचार कर लीजिए कि किस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अभी हम डाट ऐसे दौड़ाता हुआ करा दे तो कोई समझ में नहीं था। अब इसे अगला एक कंपाउंड है, आप देखिए पांचवा जो आपकी बुक में है वो है भैया CH3, उसके बाद फिर क्या है CH3 फिर CH, थोड़ा जो ब्रेकेट लगाया करो ना, थोड़ा उसको ज्यादा डार्क कर दिया करो तो अपने आप समझ में आ जाए करेंगे, CH3 और फिर क्या है CH, फिर ब्रैकेट में फिर क्या है आपका BR, इसको ऐसे थोड़ा सा ब्रैकेट वाली चीजों को ऐसे कर दिया करो थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से हुआ करता है। अब फिर BR के बाद क्या है भैया आपका क्या है CH3, फिर क्या है आपका CH3। अब काफी बच्चे ऐसे हैं वो ये चाहते होंगे कि अगर हमको छोड़ दिया जाए तो हम इसको हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने कामचोर हैं जान लीजिए कि अगर उनको कह दें हम हल करने के लिए तो वो जवाब भी नहीं देते हैं, यहां तक मैं कहता हूं कि कमेंट करने के लिए, तो देखता हूं पढ़ने के लिए सब एकदम रेडी है, अब लेक्चर को खोलेंगे ओपन कर लेंगे, लेकिन जब कमेंट की बात आती है तो एकदम गिने चुने बच्चे कमेंट किया करते हैं, बाकी सब लोग को तो पढ़ने में ही मजा आ रहा है और पता नहीं क्या पढ़ रहे हो आप लोग। अब उसके बाद फिर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया, अब इसको आप सबसे पहले ओपन फॉर्म में ले जाइए, जब आप इसको ओपन फॉर्म में ले जाओ तो क्या होगा आप हमको बताओ, CH3 तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख दिया CH3, अब फिर यहां CH हो गया, अब देखिए ये ब्रैकेट में आ गया, इसका मतलब इसी कार्बन जुड़ा, तो यहां क्या लिख दिए हम CH3, कोई समस्या, फिर देखिए आगे CH है, हमने फिर सिंगल बॉन्ड CH लिख दिया, फिर देखिए इसके जस्ट बाद यहां पे BR है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी से ही जुड़ा है, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो इतनी चीजें तो यहां से क्या हो जाया किया करती है, हमको कंफर्म हो जाया किया करती है, मालूम हो जाया किया करती है। तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहली चीज तो ये ध्यान देना कि आप सबसे पहली चीज इसमें नंबरिंग करिए, किस दिशा से नंबरिंग की जाएगी आप बताने का प्रयास कीजिए जल्दी से, इसमें जो नंबरिंग करोगे आप लोग किस दिशा से करोगे, तो आपको बता रहा हूं यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नंबरिंग होगी वो आपके इस दिशा से होगी, क्योंकि यहां से ये ब्रोमीन जो है ये हाइड्रोजन है ये प्रेजेंट है, तो अब क्या करोगे आप नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 और फिर क्या हो गया 4, सीधी श्रृंखला का संरक्षण करती है, एकदम नॉर्मल है, जो बच्चे एकदम सीधा समझते हैं। अब देखिए ये ब्रोमो है और ये मिथिल है, तो पहले इसका नाम हो जाएगा तो 2-1, फिर क्या हो गया आपका ये ब्रोमो, और थ्री कमल का ये फिर 3-1 क्या हो जाएगा ये मेथिल, 3-1 क्या हो जाएगा मेथिल, और उसके बाद कितने कार्बन है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन, 2-ब्रोमो और 3-मेथिल ब्यूटेन। और आप देखिए
देखिए ये कि ये 2-0 है कि 3-0 है। अब आप देखिए इसमें जो ये कार्बन है ये डायरेक्टली दो अलग कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है 2-0 है। और जो कार्बन की डिग्री होती है उसी के स्थान पे हम पहचान भी लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि द्वितीयक है, ये कौन सा है आपका, ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका। सेकेंड आंसर में ये कैसा है, ये 2-0 है और यहाँ ना बेंजीनिक दिख रही है ना डबल बॉन्ड दिख रहा है कुछ नहीं। तो ये सीधा सीधा फिर अगला आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका एल्किल हैलाइड्स। क्या है आपका, ये एल्किल हैलाइड्स है। तो ये आपका पांचवा हो गया, कौन सा हो गया आपका पांचवा हो गया होगा। आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो हम और अच्छा दूसरा तरीका अपना करके आपको समझाने का प्रयास करें। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको यहीं से ही समझ में आ जाए अगर आप थोड़ा बहुत हमारे साथ लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं तब, नहीं तो फिर आप खुद जानिए। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके बुक में है। आप इसको हल करते समय बुक अपने पास जरूर रखा किया करो। तो अगला क्वेश्चन है CH3C2H5 का होल ट्वाइस, यही क्वेश्चन है भाई आपका, छठा नंबर है CH3 फिर क्या है C और फिर एक ब्रैकेट लगा है C2H5 का क्या है होल ट्वाइस और फिर क्या है CH2 और फिर क्या है Br, क्या है CH2 और फिर क्या है Br, यही है ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को आपको लिखना है, इसका IPSC नाम लिखना है, पहचानना है कि ये प्राथमिक है द्वितीयक है कि तृतीयक है, और ये पहचानना है कि इसमें एल्किल हैलाइड है क्या है आपका। देख लो बेंजीनिक तो कहीं दिख नहीं रही है, डबल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है एल्किल हैलाइड ही होगा। अब चलिए क्या करिए, आगे ओपन फॉर्म लिखिए इसका। जब आप ओपन फॉर्म लिखते हैं तो देखो एक किनारा पकड़ो, यहाँ क्या लिखा गया CH3, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे तो क्या लिख दिया CH3, अब C लिखा गया है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अब कोई बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए लिखा गया CH2 C2H5 का होल ट्वाइस, तो C2H5 को होल ट्वाइस को अगर हम लिख सकते हैं तो एक नाम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड करके। इसका मतलब इसी कार्बन से क्या हुआ है, ये दोनों लगे हैं देखिए ना इसी कार्बन से, तो यहाँ पे आपने लिख दिया CH2 और फिर हमने यहाँ लिख दिया CH3। अब आपकी इच्छा है तो आप C2H5 डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आप चाहे तो पूरा C2H5 एक साथ लिख सकते हो, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी हम ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा फिर ये CH2 और फिर इधर हो जाएगा CH3, इतना समझ में आया CH3 CH3 फिर C था C लिख दिया और फिर CH2 C2H5 था C2H5 लिख दिया। आगे चलो क्या लिखा गया है फिर CH2 और फिर क्या लिखा गया है Br, क्या बात है, इतना अच्छा कंपाउंड बना हुआ है। इसका अब IPSC नेम आपको लिखना है, पहचानना है कि 1-0 है कि 2-0 है, क्या कंडीशन है इसमें अप्लाई की गई है, ये सारी चीजों को क्या करना है आपको इसमें पहचान करके लिखना है। अब जब आप इसमें पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे हमारी बात को बताइए, तो सबसे पहली चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पहली चीज इसमें नंबरिंग करिए। नंबरिंग करते समय ये चीज ध्यान दिया करो कि उस रास्ते को अपनाओ जहां से ज्यादा क्रियात्मक समूह नजदीक हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपको मिलते हो। तो देखिए कहां से रास्ते हैं, 1 2 3 4 तीन कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है, और कोई रास्ता 1 2 3 4 चार कार्बन इधर भी मिल रहा है, तो अब कौन सा 1 2 3 4 5 ये कितने रास्ते हैं इसमें, देखिए जल्दी से भैया देख करके हमको बताइए कौन सा रास्ता इसमें सबसे सुटेबल है, आप जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए अब आपको सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना, हैलोजन हैलोजन जहां से होगा वहीं से नंबरिंग हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 1 और फिर ये 2, चाहे इधर जाओ 3 4 चाहे इधर जाओ 3 4, तो ये हो गया 3 और ये कॉमन हो गया 4। अब देखिए इधर से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि इधर से ब्रोमीन नजदीक था, जहां से क्रियात्मक समूह या आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक, अब जैसे ये भी सब्स्टिट्यूएंट था लेकिन यहां से देखिए तो ये सब नजदीक नहीं रही, इसलिए ये रास्ता एकदम सही है। रास्ते आपको समझना, नामांकन करना आना चाहिए और विदाउट नामांकन के आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये भी नोट कर लीजिएगा। नंबरिंग करने के कई नियम से हैं, रूल्स हैं। अब चलिए जब आपने नंबरिंग कर दिया, देखिए ये छूट रहा है यहाँ से और ये छूट रहा है यहाँ से और ये छूट रहा है यहाँ से, अब कौन कौन छूट रहा है, ये तो ब्रोमो है और ये आपका एथिल है और ये क्या है मेथिल है, तो ब्रोमो सबसे पहले आ रहा है तो बी तो पहले लिखा जाएगा, मान लीजिएगा ब्रोमो है
आई एल, तो आपका बी पहले हो गया, फिर ई आया, फिर क्या आया, एम आया अल्फाबेट में। इसीलिए मैंने कहा है कि जब कई सब्टिट्यूएंट होते हैं तो उसका नाम पहले लिखा जाता है जो अल्फाबेट में पहले होता है। तो अब जब इसमें देख लिए आपकी ब्रोमो पहले आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे बताइए, सबसे पहले ब्रोमो को लिखोगे, फिर एथिल को लिखोगे, और फिर किसको लिखोगे, मेथिल को। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, वन हाइफन ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, वन हाइफन ब्रोमो और टू से ये छूट रहा है, तो कामा लगाओ, टू हाइफन फिर क्या हो जाएगा, एथिल, टू हाइफन क्या हो जाएगा, एथिल, और फिर क्या होगा कामा करके, टू हाइफन फिर क्या हो जाएगा, मेथिल भी है आपका उसी से लगा हुआ, तो यहां पे हो जाएगा टू हाइफन मेथिल। और फिर उसके बाद आप विचार करिए कि अगले की तरफ आप चलेंगे, तो अब यहां से आप इधर आ रहे हो, तो अब आप देखिए कितना कार्बन मिल रहा है, चार कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो गया ब्यूटेन, यही इसका आईपीएसी नेम होगा। जिन बच्चों को आता है हम जैसे लिखते हैं वैसे बना लिया करें, एक बार तरीका आपको हम बता रहे हैं, जिनको आता है वैसे आप पहले एक बार बना लिया करो, और उसके बाद फिर जब हम बनाते हैं तो उसको आप चेक किया करो कि हम कितने सही हैं। सही है तो आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, गलत है तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप अच्छा बनते हैं। और जिनको कुछ नहीं समझ में आता वो आराम से चुपचाप उतारा किया करें, समझने का प्रयास किया करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम विधिवत फुल एंड लाइन करते हुए हम एक एक करके आपको क्या करेंगे यहां से बताने का प्रयास करेंगे, ये जान लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस चीज को आप लोग समझिए। वो क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि CH3 फिर C, क्वेश्चन अगला हमारा है सातवां नंबर, इसमें सेवंथ है CH3, और फिर क्या है C ब्रैकेट में CL है, और फिर ब्रैकेट में C2H5 है, ब्रैकेट लगाई हो और यहां CL और फिर ब्रैकेट लगा के C2H5 लिखा गया है, और फिर एक ब्रैकेट लगा के लिखा गया आगे, अब डायरेक्ट लिख दिया गया है CH2 और फिर क्या लिख दिया गया है CH3, ऐसे ही लिखा गया है, कंपाउंड देख लीजिएगा आप लोग। अब आपके पास जो हो गया है CH3 फिर सी है, सॉरी यहां पे एक सी रहेगा, यहां से आपके पास ब्रेकेट के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए लिखा हूं आपको बता रहा हूं, ये सी है, फिर ब्रेकेट में क्या है CL है, और फिर उसके बाद क्या है C2H5 है, और फिर CH2 है, और फिर आपका क्या है CH3 है। तो इस तरीके से ये आपको क्या किया गया है, यहां पर यह कंपाउंड दिया गया है। अब आप क्या करोगे, इस कंपाउंड की क्या करोगे, नंबरिंग करने का प्रयास करोगे, जान लीजिएगा। चलिए नंबरिंग किस दिशा से करोगे, पहले इसको ओपन कीजिए, ओपन करिए, सबसे पहली चीज ओपन फॉर्म में देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे CH3 और फिर यहां पे C, और ये क्या हो जाएगा आपका इसी कार्बन जुड़ा है, यहां पर हो जाएगा CL, और फिर उसके बाद CH3 हो गया, फिर C हो गया, फिर CL, और इसी से फिर ये भी जुड़ा है, क्योंकि दो ब्रैकेट लगातार लग गए हैं, और दो ब्रैकेट का मतलब है कि एक पे CL है, फिर क्या है C2H5 है। अब C2H5 को चाहे पूरा लिख दो चाहे ऐसे लिख दो CH2, और फिर यहां पे क्या लिख दो CH3, ये बन गया CH3, मैच करिए, फिर C, फिर CL, थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरा गलत नोट कर लीजिएगा, CH3 फिर C, और फिर ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या बचा है आगे आपका, यहां पे CH2 और फिर आपका क्या बचा है CH3। अब आप नंबरिंग कीजिए, इसमें नंबरिंग करके हमको बताइए कि नंबरिंग कौन सी सही होगी। अब आपके सामने प्रश्न है, अगर आप 1 2 3 4 बस ये चार कार्बन मिलेगा इस रास्ते से आते हो, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये भी वही रास्ता है। अगर हम क्या करें इस रास्ते जाते हैं 1 2 3 4 5 एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता हमारे पास और है 1 2 3 और फिर ये 4 और फिर ये 5 देख लीजिए। तो ये जो दोनों रास्ते हैं सेम कार्बन पेयर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें रास्ता कौन सा सही होगा इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो अगर हम ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया था कि जब एक रास्ते से कार्बन की संख्या सेम आए तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका स्थान योग कर लिया करो, और सब्स्टिट्यूएंट का स्थान का योग करके उसमें देखा करो कि कौन सा न्यूनतम है, जो न्यूनतम होगा वही रास्ता सही होगा। चलिए देखिए, अब इसे आप इस रास्ते से आते हैं, इस रास्ते से तो 1 2 3, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट इसी से पढ़ रहे हैं 3 फिर 4 फिर 5 इधर चले जाएंगे, तो एक सब्स्टिट्यूएंट इधर पढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट
ये रास्ता, और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो एक दो और ये फिर तीन, ये कार्बन बचता है, वन टू थ्री फिर ये फोर फिर फाइव। तो आप इस रास्ते जाते हो तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो तीसरे से ये दोनों भी छूट रहे हैं, तो तीन तीन ये हो गया आपका, और ये भी कितना मिल रहा है आपको, छह। दोनों तरफ से आपको यहां पे अगर देखेंगे तो आपको छह ही देखने को मिल रहा है कार्बन की संख्या। भाई एक दो तीन चार पांच है, तो आप दोनों तरफ से फ्री हो, चाहे जहां से जो रास्ता अपना लीजिए। तो हम सीधा नीचे से ही आते हैं, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो फ्री हो गए, कम होता देख लेते। तो वन चाहे इधर से आप चाहे इधर से, वन नंबरिंग के समय टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन हो गया आपके पास। अब जो ये पांच कार्बन हुआ ये ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर अब इसमें छूट रहा है, क्या क्या छूट रहा है, क्लोरो छूट रहा है और ये मिथिल छूट रहा है। तो क्लोरो का मतलब होता है सी और मिथिल का मतलब होता है यम। तो अब यहां पे जब करोगे तो पहले क्या लिखोगे, देखिए नंबर याद किया वन टू, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरा को समझ लीजिए वन और फिर इसके ऊपर लिख दिया टू। तो बाबू अब क्या करें, थ्री हाइफन क्लोरो, पहले क्लोरो लिखा जाएगा तब मिथिल लिखा जाएगा, थ्री हाइफन क्लोरो और फिर कामा लगाइएगा, थ्री हाइफन क्या हो जाएगा ये मिथिल, थ्री हाइफन क्या हो जाएगा मिथिल, और पांच कार्बन देखने को मिल रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेन। आपको समझ में आया, थ्री हाइफन क्लोरो, थ्री हाइफन मिथिल और पांच कार्बन था हुआ पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो जोड़ा क्या एन, तो इससे मिल गया आपको क्या पेंटेन। अब ये बताइए कि ये किस प्रकार के कंपाउंड के अंतर्गत आ रहा है, 10 है कि 20 है कि 30 है, इस चीज को पहचानने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो अब आप देखोगे यहां पे कि कार्बन को देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी को देखा जाता है पहचानने के लिए। अब इस कार्बन को देखो 10 है कि 20 है कि 30 है, तो आप देखेंगे तो ये कार्बन जो है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, तीन कार्बन जुड़ा है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा ये 30। इसी ने सोचा कि यह कार्बन है क्लोरीन है, ठीक है, और फिर देख रहे हो आपका वैसे ही ये एरोमेटिक रिंग, इसमें कोई वगैरह है नहीं, ना डबल बॉन्ड है, तो ये 30 है, और ये कैसा है आपका एल्किल हैलाइड, कैसा कंपाउंड है आपका ये एल्किल हैलाइड। अब आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है केवल एक चीज को आपको समझाने के लिए। विश्वास कीजिए अगर आप ऐसे समझते हैं तब आपको एकदम विधिवत समझ में आएगा। अब हम अगले कंपाउंड की तरफ आपको ले चलते हैं, अगला कंपाउंड जो होता है उसकी बात करेंगे। तो ऐसे ही समझते चलेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला जो कंपाउंड है वो थोड़ा आपके लिए समझने वाले सब चीजें हैं, इस चीज को समझेंगे तभी आपको आगे, जितना आप आगे जाएंगे उतना कठिन होता जाएगा। अगला है आठवां नंबर, आप लोग बुक पास आपकी होगी वहां से देख सकते हो, CH3 फिर यहां CH फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखा गया है भैया C फिर ब्रैकेट में CL, C फिर ब्रैकेट क्या लगा के लिखा गया है CL, और फिर क्या लिखा गया है CH2, यहां पर फिर लिखा गया है CH2, और फिर आगे ब्रैकेट में क्या लिखा गया है CH2 के बाद फिर CH फिर ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में पहले CH और फिर उसके बाद क्या लिखा गया है CH3 का होल ट्वाइस। अब आप इसको बनाइए, पहले इसका नाम लिखने का प्रयास कीजिए सब लोग, जो ये बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, जो आपके सामने कंपाउंड है इसका नाम लिखने का प्रयास करेंगे सब लोग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम ओपन फॉर्म बनाएंगे, एक बार मैच कर लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड C फिर ब्रैकेट में CL फिर क्या है CH2 फिर CH फिर CH3 का क्या है होल आपका क्या है ट्वाइस है। हाँ एकदम ठीक है, बढ़िया सब चल रहा है, ठीक ठीक ठाक। अब चलिए अब ओपन कीजिए इसको, ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा CH3, यहां पर फिर क्या हो जाएगा CH और फिर ये डबल बॉन्ड और ये फिर C। अब आप देखिए थोड़ा सा हमारी बात को, तो ये जो C है इसी से ये कार्बन जुड़ा है, तो यहां हो जाएगा लगा के सिंगल बॉन्ड CL। अब उसके बाद फिर CL हो गया, फिर आगे क्या हो जाएगा CH2 और फिर आगे क्या हो जाएगा CH।
देख रहा हो ना, आगे क्या है सी एच, और फिर सी एच थ्री का होल ट्वाइस है, इसका मतलब इससे दो सी एच थ्री लगा है। दो सी एच थ्री का मतलब एक सी एच थ्री इधर लगा देता हूं और एक ऊपर लगा देता हूं। आपको समझ में आ गया होगा, आपको एकदम बढ़िया सा मिला लीजिएगा सी एच थ्री फिर सी एच, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड एकदम सही है, फिर सी, फिर सी सी एल लगा ठीक ठाक, फिर सी एच टू और फिर सी एच, और फिर क्या है ये आपका क्या है सी डबल सी एच थ्री है। तो होल ट्वाइस था तो होल ट्वाइस लगा दिया हमने। अब हमको बताइए कि इसका नाम कैसे करें। पहली चीज, सबसे पहली चीज, नंबरिंग कहां से करें। नंबरिंग अगर हम करते हैं तो इसमें देखिए यह प्रतिस्थापी है, यह हाइलोजन है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरीदाश्रेणी के हिसाब से डबल बॉन्ड है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से इसकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, जैसे देखिए अब क्या होगा, एक दो, इसे दूसरे कार्बन से आ रहा है, इधर वन टू, इधर बराबर था, और वन टू थ्री फोर पे आ रहा था, ये वन टू थ्री पे आ रहा था, ये रास्ता सही है, तो यहां हो जाएगा वन फिर टू, नंबरिंग बिना करे जान लीजिए गलत मानते हैं हम लोग, फाइव फिर यहां पे सिक्स, मतलब छह कार्बन की सीरीज हो गई। अब आप चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए बतिया वही होगी, ठीक। अब क्या करें बताइए हमको, आप जो ये छह कार्बन आपको मिला है इसमें सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट है पहले उसका नाम लिखिए। तो ये आपका छूट रहा है यहां से, देखिए क्लोरीन वाला एटम जो है आपका ये छूट रहा है यहां से, तो आप सबसे पहले इसी को लिखोगे, क्या लिखोगे, थ्री हाइफन, और फिर उसके बाद क्या लिख दोगे, क्लोरो, थ्री हाइफन क्या, क्लोरो, और फिर कामा लगा के फाइव हाइफन क्या हो जाएगा, मेथिल, फाइव हाइफन क्या हो जाएगा, मेथिल। ये इतना समझ में आ गया सबको, थ्री हाइफन क्या हो जाएगा, क्लोरो, फाइव हाइफन क्या हो जाएगा, मेथिल। अब देखिए इसके बाद आपको चीजें छूट रही है, तो कुछ नहीं छूट रहा है, तो अब जब ध्यान दीजिए तो यहां दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम चाहे लिखे हेक्स, छह कार्बन लिख के फिर टू इन कर दें, या हेक्सीन करके टू लिख दें, दोनों बतिया एक का सही होती है, माना वही जाता है जान लीजिएगा। तो हम यहां पर पहले लिख देंगे क्या, छह कार्बन की जनक श्रृंखला है, तो यहां लिख देंगे क्या, पहले हेक्स और फिर यहां पे हाइफन लगा के टू और फिर क्या इन। आप इसको हेक्स इन टू भी लिख सकते थे, और हमने क्या किया, छह कार्बन था, छह कार्बन लिख दिया, और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इसीलिए हमने क्या कर दिया यहां पे डबल बॉन्ड को दूसरे और कार्बन के बीच में से, और जो कम का संख्या होती है वही लिखा जाता है, जिसमें जो कम संख्या होती वही लिखा जाता है, तो वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया। अब आप देखें कितने सारे नियम्स आपको एक साथ बता रहे हैं। फिर आप बताइए इसको पहचानिए कि ये क्या है। पहली चीज तो आपको बता रहा हूं कि ये एल्किल हैलाइड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है डबल बॉन्ड आ गया है। और जब आपको मालूम होगा एक ग्रुप हमने पढ़ाया था विनाइल ग्रुप, क्या बताया था, विनाइल ग्रुप या वाइनिल क्लोराइड हुआ करता है, वही आपका हुआ करता है यहाँ पे। तो आप देखिए जो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है देख रहे हो, ये किस कार्बन से जुड़ा है, sp2 कार्बन से जुड़ा है। विनाइल जो ग्रुप होता है या विनाइल ग्रुप जो हुआ करता है उसमें सी डबल बॉन्ड सी के sp3 या जो आता है आपका यहां पे देखिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी के sp2 कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसीलिए लिख दे रहा हूं। और अगर ये जुड़ा रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइनिल या विनाइल, विनाइल समूह। तो यहां पे ये जो हो गया ये क्या है आपका, ये तो एपीएससी नेम हो गया। अब देखिए सी डबल बॉन्ड सी के किस कार्बन से, sp2 कार्बन। अब ये कार्बन sp2 है, अगर कोई कहे sp2 क्यों है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहां पे एक पाई हो गया है और एक क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। तो जब पाई बॉन्ड की संख्या मैंने अभी लिखा था, अगर कार्बन में पाई बॉन्ड की संख्या जीरो है तो संकरण कौन सा होता है, sp3। पाई बॉन्ड की संख्या अगर एक होती है तो संकरण कार्बन पे क्या होता है, sp2। और अगर पाई बॉन्ड की संख्या दो होती है तो कार्बन पे संकरण क्या होता है, sp3। ये जान लीजिएगा, ये अब सॉरी sp होता है, sp3 नहीं। तो यहां पे क्या होगा भैया, ये इस तरीके से हो गया। तो ये आपका कैसा कंपाउंड है, वाइनिल समूह का है। कैसा है ये, वाइनिल समूह का है। अभी जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था वेंजाइलिन का, याद रखना कि उसमें एरोमेटिक रिंग के sp3 जुड़ा रहता है, तो इसमें सी डबल बॉन्ड सी के sp2 कार्बन जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। और एरो उसमें एरो एल्किल में तो सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ा रहता है,
आपको समझ में आ रहा है, तो पूरी बात ना एकदम विधिवत समझिए और बढ़िया सर इसकी। हाँ, काफी बच्चे हमसे ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसे हम लिखें कहाँ, तो आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया होगा, होमवर्क की कॉपी बनाया होगा या आपने ऐसी कोई कॉपी बनाया होगा कि जिसमें आप क्वेश्चन को लिख रहे थे, नेम रिएक्शन लिख रहे थे, तो नेम रिएक्शन वाली कॉपी में चाहे लिख लें और चाहे होमवर्क वाली कॉपी में लिख लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई आपको सिलेबस भी कवर कराए और सिलेबस के बाद आपको क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बता रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि कोई आपको जितने भी पढ़ा रहे हैं लोग, आप मैच करा लीजिएगा भैया कि अगर कोई आपको पूरा सिलेबस कवर करे और उसके बाद फिर आपको क्या करे, वो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो आप हमें फिर यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कंपटीशन हो चाहे जहाँ पे, एग्जाम में आ जाएगा, आप क्या करोगे बताइए। तो इस तरीके से आपसे बता रहे हैं, इसकी नोट्स होनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में काम देगा, आज नहीं तो कल काम देता है। नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो किताबों में चीजें नहीं रहती हैं, वो नोट्स में होती हैं। तो अब फिर आपकी क्या हुआ करता है, अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप जितना आगे जाएंगे उतने ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जान लीजिएगा। और फीडबैक अच्छा आता है तभी जान लीजिए इंटरेस्ट भी किसी टॉपिक में आता है, और जब फीडबैक अच्छा नहीं रहता है कोई टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता है। नौवां देखिए आप लोग, नौवा जो कंपाउंड है वो है CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड क्या है CH, और फिर क्या है ब्रेकेट में, अब सॉरी ब्रेकेट में हाँ सी है, फिर ब्रेकेट में BR है, फिर ब्रेकेट में पहले यहाँ CH के बाद सी है, फिर ब्रेकेट लगा है, फिर यहाँ BR है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कार्बन और ये ब्रेकेट थोड़ा समझ में कम आता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया करो। और फिर BR है, फिर CH2, सॉरी CH3 का क्या है होल ट्वाइस। अब इसको तो मैं रट के आऊंगा नहीं, इसको समझा दूंगा, होमवर्क आपका है पूरा, एकदम एक टॉपिक अभी चेंज कर दूंगा, आपकी बुक से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, CH3 का होल ट्वाइस यही है, आप देख लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसी चीज का क्या करना है, यहाँ पे समझना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए ना तो ये एल्किल हैलाइड है, डबल बॉन्ड आ गया, ना तो ये अब क्या रह गया, बेंजाइलिक हो गया क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, और अब बचा क्या है, जो आपके दो बचे हैं वाइनाइल बचा है, एलिलिक बचा है, तो उसी में दो कलेक्ट करेंगे भी। तो अब क्या करें इसका, सबसे पहले बात फिर से मैच करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सी, फिर BR और फिर CH2, यही आपका कंपाउंड है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ओपन फॉर्म में लिखिए, पहले ओपन फॉर्म बनाइए इसका। जब आप इसका ओपन फॉर्म बनाओगे तो यहां हो जाएगा CH3 और ये फिर क्या हो जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH, फिर ये C। अब इसी से ही क्या लगा है BR, तो BR को लगा दिया, और फिर ये देखिए क्या लगा है, इसी से फिर ये लगा है, देखिए भाई यहां से ब्रेकेट, फिर ब्रेकेट आ गया है, तो इसका मतलब BR है और दो कार्बन वैलेंसी पे क्या है आपका CH3 है। तो यहां पे फिर क्या कर दीजिएगा CH3 और फिर नीचे क्या कर दीजिएगा CH3। तो अब आप देखिए इस तरीके से ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अब जब ये कंपाउंड इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है तो इसका अब आप नामकरण करना शुरू कीजिए। नंबरिंग इसकी किस तरफ से करेंगे आप बताने का प्रयास कीजिए, नंबरिंग इसकी हम किस तरफ से करें। तो आप सबसे पहले देखें ये हैलोजन है और ये डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 और एक दूसरे कार्बन से आ रहा है, तो इसका मतलब ये रास्ता हमारा सही है, ठीक ठाक है। तो यहां पे हो जाएगा 1, 2, 3, अब ये 4 और ये 5। आप देखिए ये रास्ता सही क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से था इसलिए इसको रास्ते को सही मान लिए। अब जब नंबरिंग करोगे तो ये तो हो गया, आप देखिए इसमें कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा बन रहा है ये ब्रोमो, ये मेथिल, ये चीजें बन रही हैं, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो 4- क्या हो गया आपका ब्रोमो, और फिर इसी से काम लगाइए 4- क्या हो जाएगा मेथिल, 4- ब्रोमो, 4- क्या हो गया मेथिल, और फिर 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट, क्या हो जाएगा पेंट, और दूसरे और तीसरे के बीच में है तो यहाँ कामा लगा के 2- क्या हो जाएगा इन, तो ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया, जान लीजिएगा। और अब हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा आपका क्या है कंपाउंड है, तो आपको बता रहे हैं ये एलिलिक हाइलाइट है, कैसा है ये एलिलिक हाइलाइट है, क्यों एलिलिक हाइलाइट है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये सी डबल बॉन्ड सी आप देख रहे हो, उसके जो समीपवर्ती कार्बन है वो sp2 संकृत नहीं है, अगर ये sp2 संकृत होता
तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पे कोई बॉन्ड नहीं है, और जब कोई कार्बन पे बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सी डबल बॉन्ड सी के समीपवर्ती निकट जो होता है किस कार्बन जुड़ा। आप हैलोकेन और हैलोजेंस का अगर आपके पास जो चैप्टर शुरू में पढ़े हैं तो जब वहां क्लासिफिकेशन किया गया, नहीं बुक में जाके देख सकते हो, इन सब का क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो यहां पे सी डबल बॉन्ड सी के समीपवर्ती किस कार्बन से जानते हो, sp3 संकृत कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, हैलोजन जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, संकृत कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, हैलोजन। हैलोजन क्या रहता है, जुड़ा रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। डबल बॉन्ड आ गया ना ये भाई जी, आपको समझ में आ गया आपको। तो ये आपका 9वां हो गया, अभी 10 है, 11 है और 12 है, 3 और है, इसको तीनों कंप्लीट कर दें कि आपको टाइम ज्यादा हो रहा है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, तो ये तीन कंपाउंड है, इन तीनों कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अटेंड करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों की क्लास हम यहीं पे आज क्या किया करते हैं, क्लोज किया करते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से, मैं जैसे बता रहा हूँ, इसको क्या किया करिएगा आप लोग, होमवर्क की कॉपी में या आपकी जो मैंने अलग से कॉपी कहा था जिसमें आपने नेम रिएक्शन लिख रखा है, वहाँ पे आप इसको उतार लेंगे, बढ़िया सा इसकी नोट्स प्रिपेयर करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नहीं तो जो हमारे जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर टेस्ट सीरीज में आप सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप बढ़िया तरीके से, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 860134 और ये फिर 6503, इस पर आप बता सकते हैं कि सर हम भी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो आप भी जब टेस्ट देंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, जैसा कि हमने सोल्यूशन का जो था वो टेस्ट लिया आपको देखिए, तो उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन का टेस्ट होगा, फिर ऐसे एल्डिहाइड कीटोन का होगा, कार्बोक्सिलिक का होगा, सारे कंपाउंड्स का होगा। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो देखिए अभी आपका जो 30% लेस करके क्या किया गया है, यूपी बोर्ड का सिलेबस दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो आपको प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि जो इस महामारी के कारण लोगों को क्लासें नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण गवर्नमेंट ने CBSE ने भी सबने क्या किया है, 30% कोर्स को कम किया है। तो वो 30% जो कोर्स कम किया गया है उसका भी सिलेबस आ गया, इसका मतलब अब आपको पढ़ाई करना है, अब आपको घूमना नहीं है, आपको एक निश्चित टारगेट मिल गया है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड तक ही सीमित रहना चाहते हैं तो वो बच्चे उसी 30% से लेस सिलेबस की तैयारी करें, और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमको पूरा कोर्स कवर करना है, हमको सारे चैप्टर पढ़ना है, तो वो पूरा चैप्टर पढ़ें, उनके फ्यूचर में IGP कॉम्पिटिशन एग्जाम है वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो हम आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, तब तक आप लोग मस्त रहो, खुश रहो, थैंक यू, धन्यवाद।